हेलो किड्स, हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बिना मात्रा वाले शब्द यानी कि तीन अक्षर, पिछली वीडियो में मैंने दो अक्षर वाले वर्ड सिखाए थे, शब्द सिखाए थे। आज मैं आपको तीन अक्षर, तीन व्यंजनों को मिला के एक शब्द बनता है और तीन अक्षर वाले शब्द आज मैं सिखाऊंगी। उसके लिए मैं आपको पहले बता दूँ, स्केच ख़त्म हुआ, ये मेरा मार्कर ख़त्म हो गया है। अब लॉकडाउन में मैं मार्कर लेने नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपको कॉपी पे सिखाऊंगी। फिर भी मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी, बच्चों को यदि आप बोर्ड पे लिखना सिखाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से आएगा। बोर्ड की हैबिट अगर है तो वो खुद प्रॉपर वर्ड्स बनाना लिखना सीखेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है और वो चीज़ को लिख लिख के जब याद करते हैं तो याद करना आसान हो जाता है, भूलते नहीं हैं। तो मेरी ये टिप्स ज़रूर याद रखना। आप छोटे बड़े दो तीन तरीके के बोर्ड ले आइए, जो भी पॉसिबल हो वो लेके आइए और बच्चों को बोर्ड से लिखना सिखाइए। अब चूँकि मेरा मार्कर ख़त्म हो गया है तो अब मैं आपको कॉपी पे सिखाऊंगी कुछ वर्ड्स। मैं आपको इस पर बता देती हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ बोर्ड पर स्केच, आपको ये बोर्ड की भी पूरी चीज़ बता दूँ, इस पर सिर्फ मार्कर चलाइएगा, स्केच कलर नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये यहाँ पर चॉक का यूज़ कर सकते हैं, इससे बच्चे चॉक का राइटिंग से बच्चे का बहुत अच्छा राइटिंग होता है। तो आप इस तरीके के बोर्ड ले आइएगा, इससे पढ़ाइएगा। अब मैं आपको हिंदी का जो मेरा जो खास पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ। क प्लस धन, मा धन ला। अब ये थ्री वर्ड्स बनेंगे, क म ल, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देती हूँ, क म ल, कमल। तो कमल। इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देती हूँ। अब मैं आपको अपनी बुक से समझाऊंगी। मेरी टिप्स आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है उसको भी, उस पर भी थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरे पढ़ाने का तरीका। अब मैं अपनी बात करती हूँ, बा ध टा धन ना, बा प्लस टा प्लस ना इक्वल टू बराबर बटन, बटन। तो ये है बटन, बटन। का, अब मैं बार बार धन नहीं बोलूंगी, अब मैं आपको सिर्फ अक्षरों से समझाऊंगी। क ल श, श कलश, कलश। हवन, हवन। एक एक शब्दों को आप दोहराइएगा, हवन। नमक, नमक। कमल, कमल। मटर, मटर। मगर, मगर। भवन, भवन। कलम, कलम। भगत, भगत। खरल, खरल, खरल। सड़क, सड़क। रवड़, रवड़। बजन, बजन। ये जो वेट होते हैं वजन तोलने वाले, बजन। शहद, शहद। ये शहद है। बदख, बदख, बदख। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। अटक, अटक। चटक, चटक। मटक, मटक। लटक, लटक। भटक, भटक। नहर, नहर। ठहर, ठहर। कहर, कहर। लहर, लहर। शहर, शहर। पहर, पहर। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, उदाहरण। पवन, पवन। भजन, भजन। मदन, मदन।
दमन दमन, नमक न नमन, गगन गगन, चहल चहल, टहल टहल, पहल पहल, महल महल, महल महल, दहल दहल। तो इस तरीके से आप एक एक शब्दों को जोड़कर जब हम बनाते हैं तो एक शब्द बन जाता है। इसी तरीके से मैं आपको अगली बार नेक्स्ट मैं चार शब्दों को मिला के बताऊँगी, तो आपको ये अक्षरों को लिखकर याद कर लेना और बार बार दोहराना, ये कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। और जो मैंने बोर्ड वाली टिप्स दी है उसको ज़रूर करना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, वो तो आप कर ही दोगे।